लगे कि औरत ही औरत का घर बर्बाद कर रही है, कि मर्द तो बड़ी दूर की बात है, औरत औरत को बर्दाश्त नहीं कर रही, जिस वजह से मसाइल जन्म ले रहे। लामा साहब बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात कर दी है, औरत नंद की शक्ल में है, सास की शक्ल में, जिस शक्ल में भी है, तो वो अगली को बर्दाश्त नहीं करी, औरत ही औरत की दुश्मन बनी है, वहां अच्छा क्या हो। हालांकि बिल्कुल ऐसी बात है, खूबसूरत उन्होंने बात की है, रस्ते में मैं उनकी बात सुन के हैरान रह गया कि ये कैसी उन्होंने बात कर दी है। तो क्योंकि घरों में होता ऐसे ही है, जैसे एक बहू आई है तो अब सास की कोशिश होगी कि मैंने इसमें से कोई ना कोई जो है ना ऐसी बात ढूंढनी है, नंदों की भी कोशिश है, अब सारी औरतें अब कोशिश में है कि कोई वीक पॉइंट निकले जी, ऐसा ही। और फिर उस वीक पॉइंट को लेकर उसको इतना क्रिटिसाइज किया जाए कि वो अब सोचने में मजबूर हो जाए कि मैं कैसे यहां जिंदगी गुजारूं। तो यहां कुछ थोड़ा सा सास को भी और आने वाली बहू को वेलकम करते हुए थोड़ा सा आप उसको मौका दें। वो जो सास होती है, जो उसकी अपनी बेटी है, वो कहते हैं वो आगे जाके वो सुखी रहे, वो जब सुखी किसी रहे। और की बेटी आए तो फिर रवैया ऐसा यानी मैंने जब भी ये आप एड्रेस करें सास को, मदर इन लॉ को आप एड्रेस करें और बताएं घर का सुकून वाला माहौल होना चाहिए, कंप्रोमाइज के बिना कुछ नहीं है। यानी जब भी मेरे पास कोई ऐसी खवातीन आती है तो वो मुझे कहती है कि जी जब मैं बहू बन के आई तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, ठीक है, और जब मैं सास बनी हूं मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, मैं अच्छी की अच्छी हूं। यानी अपने बारे में कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे अच्छी सास मिल सकी और ना मुझे आज अच्छी बहू मिल सकी। हालांकि मैं उन्हें कहा करता हूं कि आप थोड़ा सा अगर अपने अंदर झांक के देखें, अगर कहीं कंप्रोमाइज का मामला हो तो आपको थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ एक प्यार और मोहब्बत का सिलसिला रखना है। शफकत और नरमी इसी चीज का नाम है ना, बिल्कुल। छोटों में शफकत करें आप। मेरे पास एक दिन सुबह सुबह नौजवान आ गया, बड़ा परेशान, मुझे कहता सर एक मसला हो गया। मैं कहा क्या हुआ? कहते जी मेरी वालदा जो है, अक्सर थोड़ा बहुत मसला होता था मेरी वाइफ के साथ, मेरी वालदा का, तो आज सुबह सुबह कहते मैं उठा हूं तो छोटी सी बात पर कुछ चाय वगैरह के मामले पे झगड़ा शुरू हो गया। बात करते करते वालदा ने मुझे कहा जी अभी इसको छोड़ दो, तो कहा जी मैंने उसको उसी वक्त कह दिया तलाक। अब ये लफ्ज जुबान से निकलते वो कहता मैं थोड़ा कांप उठा, फौरन वो मेरे पास आया जी अब क्या, अब हुक्मे शरी तो यही है, जारी बात तलाक तो हो गई। अब इस मकाम पर वालदा को भी सोचना चाहिए कि मैं उसने जो बात की है। अब आप बताइए कि तलाक की कितनी किस्में हैं, ताकि नाज़रीन को यह खबर हो कि तलाक की इतनी किस्में हैं और कौन कौन सी तलाक का क्या क्या किरदार है। अच्छा देखिए जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने जो चीजें हलाल की हैं उसमें सबसे ज्यादा नापसंदा चीज तलाक है, ठीक है, नापसंदीदा चीज है। यानी अल्लाह ताला ने इस यानी आखिरी दर्जा जिसे कह लें, और वो भी अमूमन जब वो घर ना बन पाए तो आप उलझन में रहने की बजाय दूर हो जाए, ऐसी सूरत हो कि हदूदुल्लाह को कायम ना किया जाए, या कोई औरत में जैसे बीवी में कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है जो छुपा दिया गया, या उसमें धोखे के साथ शादी हो गई। ये चीज मर्द में भी लागू होगी, इसी तरह मर्द में है, औरत खुला का मुतालबा करे। मर्द अगर देखे कि औरत में मसला है, बीवी में, वो अतल इमकान कोशिश करे इलाज की, ना हो सके तो फिर ऐसी सूरत में ये राह अपनाई जाएगी तलाक की। तो तलाक की इब्तदाई हम पहले तीन अकसाम जिक्र करते हैं, तलाक रजई जिसमें रजू किया जा सकता है, और तलाक बायना जिसके अंदर निकाह होगा, ठीक है, और तलाक मुगल्लजा जिसमें हलाला होगा। ओके, पहली तलाक रजई है जिसमें रजू हो जाएगा, किया जाएगा बगैर किसी यानी कि निकाह के कुछ भी, सिर्फ कहना जी मैंने रजू किया, वो कैसे होगा, वो कैसे होगी? अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को एक या दो तलाकें दी, एक दे दी या दो दी, या दो दे दी, दोनों में उसको इख्तियार है कि इद्दत से पहले पहले रजू कर ले। ड्यूरेशन ऑफ इद्दत भी आप बता दीजिए। जी इद्दत जो है वो औरतों के अहवाल के मुताबिक मुख्तलिफ है, यानी अमूमन तीन मेंसिस जो है ना, अल्लाह ताला फरमाता वल मुतल्लकात या तरबसना बि अनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, तीन हैज तक उनकी इद्दत है। अगर ऐसा मामला नहीं, कोई बीमारी है तो फिर तीन महीने, ये इद्दत है तो तीन महीने का तकरीबन तो ड्यूरेशन है। थ्री मंथ के दौरान वो रजू कर ले तो ओके, वो उसकी बीवी है, ठीक है, लेकिन चूंकि उसने दो दे दी हैं, अब उसको इख्तियार एक का ही है, क्योंकि वो दो तलाक दे चुका है, उसको है। एक का इख्तियार है, लेकिन तलाक अगर उसने एक या दो दी है और वो इद्दत के गुजरने से पहले पहले अपनी बीवी से कहता है मैंने रजू किया, वो उसकी बीवी है। ओके, दूसरी सूरत है बायना। बायना ये है कि उसने अगर तीन माह में उसने रुजू नहीं किया तो तलाक ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाँ, अब वो हो जाएगी बायना। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने एक तलाक दी या दो दी, इद्दत गुजर गई, जैसे ही इद्दत गुजर जाएगी अब वो औरत हो जाएगी बायना। ओके, बायना का मतलब यह है कि अब अगर वो उसके साथ दोबारा रहना चाहता है तो उसको निकाह करना पड़ेगा, ठीक है, इसे कहते हैं तलाक के बायना, क्योंकि इद्दत गुजर चुकी है।
या कोई शख्स उसी औरत से करना है तो जो भी निकाह का तरीका है, दो गवाह, सिर्फ दो गवाह बना के निकाह कर लिया जाए, हक में मुतय्यन हो जाएगा। या उस सूरत में कि वो लफ्ज़े तलाक सरी तौर पे नहीं कहता बल्कि वो किनायतन कहता है, दिल में नियत तलाक की है, वो उसे कहता है चल उठ जा मैंने तुझे छोड़ दिया, अब भी तलाक बायना हो जाती है, हो जाएगी। हाँ, यानी उसमें निकाह करना पड़ता है। तलाक बायना की ड्यूरेशन है वो कितनी है फिर? तलाक बायना की इद्दत तो वही होगी, इद्दत तो वही है, तीन है जो मैंने बयान किए, लेकिन इसमें प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसमें हलाला की जरूरत नहीं, इसके अंदर रजू नहीं हो सकता, इसमें निकाह करना पड़ता है, इसे कहते हैं तलाक बायना। निकाह करेगा तो वो उसकी बीवी, ये दो के बाद है। हाँ, ये दो के बाद या इद्दत गुजर गई। अब किसी तलाके दे दी, तलाक मुगल्लजा, ठीक है। तलाक मुगल्लजा ये है कि कोई आदमी किसी बीवी को तीन तलाके दे दे तो ऐसी सूरत में वो उसकी बीवी मुगल्लजा हो जाएगी। उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अब ये बीवी उसके लिए हलाल नहीं जब तक के किसी और से निकाह करके फिर इसके पास ना आए, जिसको हम उर्फ में हलाला कहते हैं। ठीक है, ये तीसरी सूरत है, ये मुगल्लजा की। ये आपने जो एक तरतीब नाज़रीन हमने बयान की है, तलाक रजी है, तलाक बायना है, तलाक मुगल्लजा है, तो लेकिन होता मुआशरे में ये है कि एक तलाक दूर की बात, दो तलाकें दूर की बात, हम तीन पे आते हैं। हम तो दो पे तो कोई जो ना स्टॉप लगाते ही नहीं है, ना एक पे आके हम रुकते हैं, इशारा है ही कोई नहीं इसमें, ये ग्रीन सिग्नल है, तीन पे रुकते हैं। शरीयत के अंदर जो तलाक का प्रोसेस बताया गया ना, वो तीन तरह का है, तलाक अहसन, तलाक सुन्नत और तलाक बिदात। ओके, तीन प्रोसेस में। सबसे पहले तलाक आसन, यानी अगर कोई शख्स अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है, वो समझ रहा है कि ये मामला नहीं चल सकता, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ शरी हदूद के पामाल हो जाने का अंदेशा है, तो एक तलाक पाकीजगी के दिनों में दे के छोड़ दे, इसे तलाक आसन कहते हैं। ओके, दूसरी सूरत है तलाक सुन्नत, जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सरकार ने सिखाई, जो इब्ने शैबा के अंदर मौजूद है, मुसन्नफ इब्ने शैबा में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर पाकीजगी में एक एक तलाक दे दे, पाकीजगी के दिन में एक, फिर अगली पाकीजगी के दिन में फिर अगले, इसे कहते हैं तलाक की सुन्नत, जो कि सरकार ने सिखाई है। और तीसरी सूरत यह है कि बंदा एक ही मजलिस में इकट्ठी तीन दे दे, ये बिदत है, इसमें बंदा गुनाहगार होता है। ओके, ऐसी तलाक दे दे, एक ही मजलिस में तीन दे दे, या उसको नापाकी के दिनों में तलाक दे दे, या जिस तौर में वो बीवी के करीब गया उसमें दे दे, ये सब की सब तलाक बिदत में है, और ऐसी सूरत में बंदा गुनाहगार होगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये जो बड़ी अहम बातें थी जो हमने आप तक पहुंचाई, और ये चीजें सीखने से इंसान को आती हैं। ये हमने ये तो सुना है कि तीन तलाकें दे दो बस, ताकि घर रहे ना रहे, और इतना गुस्से में कोई कंट्रोल नहीं करते, हम सीधा तीन पे आके जाके रुकते हैं। और ये चीज़ें जब हम दीन से दूरी इख्तियार करेंगे, सीखेंगे नहीं, उलमा के पास नहीं बैठेंगे, ये शब नूर प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको एजुकेट किया जाए, आपको बताया जाए, घर में बैठ के बताया जाए, आप घरों में बैठे हैं और हम आप तक पहुंचे हैं, ताकि इन रस्तों को अडॉप्ट किया जाए जो आसान रस्ते हैं। बिल्कुल, हमने यानी शरीयत मुतारा की इन जाब्तों को पहचाना है। आज की इन सारी बातों को जिक्र करने का सिर्फ मकसद ये है कि ऐसी बातों को अवाम तक पहुंचाया जाए कि कहीं घरों में अमूमन छोटी छोटी बातों पर मियां बीवी का झगड़ा होता है और शोर ये लफ्ज कहता है या लिख देता है। अमूमन जो वसीका नवीस होते हैं उनके पास एक लिखा हुआ मौजूद होता है जिसमें तलाक सलासा लिखा है, अब वो प्रिंट निकाल के उस पर सिग्नेचर अंगूठा करवा देता है, बाद में वो बंदा कहता है जी मेरी नीयत तो एक देने की थी, इसमें तीन लिखा है, लेकिन चूंकि उसने सिग्नेचर किए हैं, अंगूठा लगा है, हम कहेंगे उसकी तलाक तीन हो गई। अब अमूमन ही होता है कि लड़की वाले कहते हैं नहीं हमने वसूल ही नहीं की, वसूल करने से इसका ताल्लुक नहीं है, मर्द ने तलाक दी, बीवी सामने है या नहीं है, मर्द बैठा इंग्लैंड में, बीवी पाकिस्तान में है, वो वहां से बैठ के तलाक दे दे तो तलाक हो जाती है। ठीक है, उसके लिए ये नहीं कि पेपर वो वसूल करे तो हो गए, सरहदों की जो कोई कैद नहीं, कैद नहीं।